हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सब लोग मेरे दांत को लेकर बहुत ही पूछते हैं, तो मैं आज आप लोगों को मेरे दांत के बारे में बता देती हूँ। देखो, दोस्तों, मेरा जो ये वाला दांत है ना, ये वाला जो दांत है वो टूट नहीं गया है, वो बचपन से ही उतना गैप है। ठीक है, इस दांत को लेकर मुझे बहुत ही शर्मिंदगी फील हो रही थी कि मैं सच बोलूँ ना, इस दांत के कारण मैं 2 साल से सोच रही थी कि मैं यूट्यूब में अपने करियर बनाऊं। लेकिन ये मन में आ रहा था कि जब मैं बोलूँगी मेरा दांत तो सुंदर नहीं है, गेप है, कोई सोचेगा कि दांत टूट गया है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रही थी। इसलिए मैं 2 साल से 2 या 2.5 साल से सोच रही थी कि यूट्यूब पे आऊँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ, एक यूट्यूबर बनूँ। बट क्या करें, मेरा जो कमजोरी था ना, वो मेरा दांत ही था। बट मैंने एक कोटेशन देखा दोस्तों, जहाँ पे लिखा था कि आपकी मजबूरी आपके जो वीकनेस को ही आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए, आपका जो वीकनेस है उसको ही आप स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो मैंने सोचा, अरे मेरा दांत को लेकर मैं कैमरे के सामने नहीं आती हूँ या किसी के सामने कुछ नहीं बोलती हूँ, ये मेरा जो वीकनेस है ना, मैं इसको ही स्ट्रांग बनाती हूँ। तो देखो दोस्तों, मैं आज आप लोग के सामने बात कर रही हूँ फ्री से, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। तो वो ये चीज़ आने के लिए ना दोस्तों, मुझे 2 साल लग गए। तो ये अभी मैं बताती हूँ दांत के बारे में। देखो, ये जो मेरा दांत है ना, ये बचपन से ही ऐसा है। और ये वाला बहुत लोग कहते हैं कि मिले जी, आपका दांत टूट गया है क्या? तो सच बताओ, ये दांत मेरा टूटा नहीं है, बस गेप है बचपन से। और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, मेरी फैमिली में मेरे पापा के दांत भी ऐसे गैप है, मेरे 2 या 3 पीसी पापा के सिस्टर उनके दांत भी ऐसे गैप ही है। तो मुझे लगता है ये फैमिली फैमिली का जो जेनेटिक है शायद। तो दोस्तों, तो मैं भी सोच रही हूँ कि अपने जो कमजोरी है मैं इसको ही ताकत बना लूँ। और पता नहीं ये वीडियो वायरल होगा या नहीं, अगर ये वीडियो वायरल हो जाता है और बहुत लोग ये वीडियो को पसंद करते हैं, तो मेरा जो ये वीकनेस पॉइंट है ना, इसको ही मैं ताकत बना लूँगी। तो वंदे मातरम, बाय।